सच्ची बोल रहा हूँ, गंगा नदी में इतना कम पानी कैसे? इसका जो है एक पैर गायब है, क्योंकि हमारा छोले कुलचे मांगे राम जी के यहाँ से बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। परफेक्ट फर्स्ट टाइम मैं इधर आके रूम टूर दे रहा हूँ, आप लोग बताना कैसा लगा। गंगा नदी में हम लोग देखने गए थे, पानी नहीं था, पूरा खाली था, उसे खाली किया गया। हरिद्वार हे व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा दिन की शुरुआत होती है उत्तराखंड से, एंड अभी हम लोग होटल में गए तो चेकिंग करने के, उसने बोला 11 बजे आओ और अगर अभी जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, बोला इससे अच्छा बाहर ही घूम लेते हैं और या फिर वहीं पे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो अभी इन लोग बोल रहे हैं कहीं आसपास में कहीं घाट है 400-500 मीटर में, तो वहाँ चल रहे हैं। भाई किधर है? नहीं बोला वो भैया ने बोला, वो भैया ने बोला ना, और अगर नहीं हुआ ना तो सारी जवाबदारी कुलदीप, क्योंकि मैं यार अच्छा खासा बैठ के रेस्ट कर रहा था, कल रात को भी ज़्यादा सोया नहीं, क्योंकि हमारे सामने मतलब एक ग्रुप आ गया लड़कों का, मतलब एक लड़की थी 5-6 लड़के साला, इतना बात के कान खा गए, 3 बजे तक सोने को मिला, तो ना नींद अच्छे से मिली ना कुछ, और सुबह जल्दी हम लोग उठ भी गए 6:30 बजे समथिंग। तो अभी अगर अच्छा नहीं हुआ घाट साइड कुछ भी, तो इसकी जिम्मेदार कुलदीप होगा और कुलदीप को सजा दी जाएगी। अभी हम लोग इधर पे घाट देखने आए थे, हमें लगा मस्त पानी वगैरह फुल होगा और फुल मजे रहेंगे, बट यहाँ आके देखता हूँ घाट कैसा है। आप लोग देखो ये है घाट, मतलब पानी इतना कम कैसे हो सकता है यार, अगर कोई जानने वाला हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ मेरे। अभी हम लोग जो मेन घाट है उधर जाएंगे, और यहाँ पानी इतना कम होने के कारण हम लोग फिर से रिटर्न होटल जा रहे हैं, वहाँ पे बैठेंगे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सोना और वगैरह भी है यार, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो रेस्ट करेंगे मस्त, तो इसके बाद फिर निकलेंगे शाम को शायद गंगा आरती के लिए जाएं। बट अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, गंगा नदी में इतना कम पानी कैसे? अगर आप में से किसी को मालूम है तो फटाफट से कमेंट करो। और उधर पुरुष घाट है आगे, हमारा होटल ये ऊपर से पूरा देख सकते हो, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में बैठेंगे, जैसे हमको रूम मिलता है तो फिर आप लोग से डायरेक्ट रूम के अंदर मिलेंगे। तुम नहीं दिख रहे हो गाइस, हम यहाँ आए हैं, यहाँ बफे है, बफे मतलब जहाँ पे खाना पीना, जिसको हम हिंदी में बफर कहते हैं, क्योंकि हमें स्पेलिंग नहीं पता बफे की। अच्छा लग रहा है बैठ के, काफ़ी पूरा नज़ारा शहर का दिख रहा है यहाँ से, और इस साइड देखूँगा तो पूरा एसी देख रहे हो कितनी एसी से, यहाँ से एसी लगी हुई है। आप लोग को बता रहे हो साले मेरे को हमेशा हर पीछे छोड़ के जाते हैं, अभी यहाँ पे आके बैठे हुए। और कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही भाई? ऋषिकेश देहरादून। साला ये आपस में कन्फ्यूज है कहाँ जाएंगे, बाकी इधर का व्यू देखो, वाओ क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। ये एक ऐसी पहली जगह हुई जहाँ पे ये लोग आके बैठे हैं, और ये परफेक्ट जगह है। साला मेरा वीडियो बना रहा क्या? तो क्या समझा, मेरा स्नैप बना रहा हूँ, स्नैप बना रहा है। और भाई दिख नहीं रहे हो तू, क्यों नहीं बोल रहा कुछ भाई? ये भी इसने भाई, इसको हमने इसने चलाना सिखा दिया भाई। हेलो, अभी हम लोग यहाँ पे नंबर लगा के रखे हैं ब्रश करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमको कहाँ जाना है कुलदीप बताए। कहाँ जाना भाई? भूली मांगे राम के छोले कुलचे खाने जाएंगे, और यहाँ पे बोल रहा भाई कि फेमस है, उनसे एक और फेमस थोड़ा और दूर, यहाँ से 3 किलोमीटर में जो मांगे राम का है, वहाँ से 1 किलोमीटर में यहाँ से। तो पहले हम लोग अभी जाएंगे ब्रश करके मांगे राम में जाके खाएंगे, उसका टेस्ट देखेंगे कैसा है, अगर अच्छा होगा तो फिर तो बढ़िया है, और एक उससे और फेमस है तो उसके पास भी जाएंगे। और भाई देखो, मैं फूड ब्लॉगर जैसे नहीं करूँगा कि अच्छा नहीं हो अरे भाई ये एक नंबर है आप यहाँ खाओ, नहीं भाई, अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, ख़राब होगा तो ख़राब बोलेंगे। आप कभी हरिद्वार आओ, अगर अच्छा होगा तो ट्राई कर लेना, ख़राब होगा तो हम आपको बता ही देंगे। अभी होटल देखते हैं ये वाला कैसा है, इसका रूम वगैरह कैसा है, अगर बढ़िया हुआ तो होटल के बारे में बता देंगे। 400 रुपये का है एक नंबर। कितने का है? ऑफर में लगाया है, मतलब एक दिन का 1800 का है ये, इसने ऑफर में लगाया है, इसको 1200 रुपये का पड़ा हुआ है, हम लोग को 400 आ रहा है, एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। चलो अभी देखते इसका रूम, देखते पहले रूम कैसा है, अगर अच्छा हुआ तो होटल के बारे में रिकमेंड कर देंगे अपनी। भाई अभी जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा, आधे घंटे हो गए मस्त चेयर में बैठ के मज़े कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद मेरे को मालूम चलता है कि इसके जो पैर, तीन ही पैर दिखाते हैं, एक सेकंड रुको, ये देखो इसका जो है एक पैर गायब है, और मेरे को ही मालूम नहीं चला, लास्ट में जब मैं गिरने वाला था मेरे को मालूम चला सब में है।
मतलब सब में चार पैर हैं, इसमें तीन ही पैर हैं। मैं बोला ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, दिखा दो। और उसको मस्त ऐसा लगा के रखे देखो, एकदम बैठने के लिए, कोई ऐसा मालूम नहीं चलता। सुबह लोग ये आ चुके हैं हमारा छोले कुलचे मांगे राम जी के भाई का, और इसका अभी आना बाकी है। चलो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके बाद आप लोग से बता। टेस्टिंग नहीं है, झूठ बोल रहा है। इन्होंने पैसे लिया उससे, 1000 रुपये, सही बोल रहे हैं। मजा आया खा के, अभी एक प्लेट और बनवा रहे हैं, तो ये सच में मस्त है। वाह भाई मज़ा आ गया सच में। दो दिन से ना ऐसा खाना नहीं मिला जो मस्त दबा के खा लें, बट आज फाइनली मिल गया है, दबा के खाए, एकदम मज़ा आ गया। अगर आप लोग कोई भी हरिद्वार आओ तो आप यहाँ पे आ सकते हो। क्या नाम है यार? मांगे राम जी के छोले कुलचे, यहाँ आके खाओ, मस्त मज़ा आएगा। मतलब देखो मस्त चीज़ मिल जाएगी, देखो पेट भर जाएगा, तेल वगैरह ज़्यादा रहता नहीं है, तो एकदम परफेक्ट चीज़ है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, और अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हो, ये ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये छोले कुलचे कैसे लगे? और अगर आपने ट्राई कर लिया ऑलरेडी या खा के देख चुके हो, तो फिर भी कमेंट करना कि आप लोग कैसा लगा जब आपने खाया था। कुछ फ्रूट्स खाया जा रहा है क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। इसको संतरे पसंद, मेरे को ये पसंद, क्या है कोई बताओ आप लोग। और मेरे को संतरे भी पसंद है। अभी चलते रूम में, जस्ट रूम के अंदर आए, रूम एकदम मस्त है। थोड़े ये गंदे दिख रहे हैं, बट कोई नहीं, चला लेंगे। अभी रूम एकदम एक नंबर है, मतलब अंदर आते ही मज़ा आ गया। अभी यहाँ से ये हमारे यहाँ से बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो, और ऐसा कुछ रूम है हमारा। अभी मतलब वेल सेट, अभी थोड़ा लेट मिला है बट ठीक चलता है। ये हमारी एसी, ये इधर का सब देख सकते हो, तुम्हारा भाई यहाँ पे, एंड ये है हमारा वॉशरूम। वाह यार, ये सब ऑल गुड परफेक्ट। फर्स्ट टाइम मैं इधर आके रूम टूर दे रहा हूँ, आप लोग बताना कैसा लगा। एंड अभी हम लोग चलते इधर, यहाँ टॉवेल है, और ये इधर पानी के लिए रखी हुई है, टीवी लगी हुई है, एंड ऑल गुड है यार। बाकी ओ भाई साहब, भाई मज़ा आ गया, एक नंबर दिखाया ना ए सी, ये देखो ए सी इधर है, अभी मस्त मज़ा आया। तो चलो फटाफट से मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि रेस्ट करना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब हमने रूम में एंटर किया था तो यहाँ की हालत कितनी अच्छी थी। अभी हम रूम से घूमने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ रहे हैं, इसकी हालत कैसे हो चुकी है देखो, पूरा रूम ऐसा फैला हुआ है, कपड़े वगैरह इधर पड़े हुए हैं, ये देखो इधर खा पी के इधर पूरा फेंक के रखे। ये है हमारे भाई लोगों की करामत, और इसमें थोड़ा मेरा भी हाथ है। तभी जस्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है, मिनी ब्लॉग जो है, उसे एडिट किया हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जितने भी लोग देख रहे हो यार, मिनी ब्लॉग में कमेंट किया करो, अच्छे लग रहे, बुरे लग रहे, जैसे भी लोग बताया करो। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, हर की पौड़ी घूमने, वहाँ पर बहुत सारे यहाँ के स्ट्रीट फूड है उसे ट्राई करेंगे, एंड हर की पौड़ी घूमेंगे भी। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मिनी ब्लॉग आपको अभी मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट कर बताना कैसा लगा। मिलते हैं चलो आगे हर की पौड़ी में। लोग ऑटो में बैठ चुका हूँ, और यहाँ ऑटो का इतना भयंकर साउंड है ना, अभी आप लोग क्या ही बताऊँ। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हर की पौड़ी, हमारे साथ हमारे भाई लोग, देखो हेलो हेलो, पैसे देके बुलवाया जा रहा है। तो चलो भाई अभी फटाफट से हर की पौड़ी चलते हैं, वहाँ मिलते हैं आप लोगों से, और फाइनली फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाते हैं हर की पौड़ी है कैसी। और यार आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, गंगा नदी में हम लोग देखने गए थे, पानी नहीं था, पूरा खाली था, उसे खाली किया गया क्योंकि दिवाली टाइम खाली करते हैं, क्लीन करते हैं, इसके बाद पानी फिर से उसमें आता है, समझ गए। लोग हम लोग आ चुके हैं हर की पौड़ी, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे।
जस्ट अभी हम लोग उतर दे यार बाबा को, जस्ट अभी हम लोग ऑटो से उतरे और कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था, फ़ोन से भी कर रहा था क्योंकि फ़ोन से मिनी ब्लॉग के लिए। बट यार एकदम से ऑटो ऐसा हुआ और बहुत तेज़ यहाँ पे लगा, एकदम जान निकल गई भाई, अभी तक दर्द हो रहा है। बाकी ये मार्केट देख सकते हो, यहीं पे हम खाएंगे कुछ बढ़िया सा, उससे पहले हम लोग घाट चलते हैं, घाट में देख के आते हैं भाई। क्या ही मस्त है यार, वाओ, बस जस्ट वाओ, वाओ थिंग, एक नंबर भाई। हर की पौड़ी में आपका स्वागत है। अभी तक ये सब हम मूवी में देखे थे, CID में देखे थे, कुलदीप CID में देखा था, बट आज हम लोग फाइनली, वाओ यार, जस्ट वाओ। ये है एंट्री गेट। आंटी 10-10 रुपए भी लेकर आएंगे फिर जाएंगे। ओहो हो, क्या बात है, गंगा लहरी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। वाओ यार भाई, पहले मैं क्या करता था, सब चीज़ कट कर देता था, लेकिन नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा भाई। वीडियो के चक्कर में एक बार पिट चुका हूँ, मतलब एक बार लग चुका है ढंग से, अभी दूसरी बार भी ऐसा लग ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई। गंगा आरती हो रही क्या? वाओ यार, वाओ वाओ वाओ, अभी आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस यार, मतलब मज़ा आता है भाई। कैसा लग रहा है, तुम लोग यहाँ आके घूम रहे हो, तुम्हारे खानदान के पहले आदमी? नहीं नहीं, मैं दूसरा। दूसरा पहला कौन है? मेरे घर में बहुत लोग। कौन बता, एक आदमी बता, बाबू नहीं बताऊंगा, ये बोल रहा है इसके बाबू। मजा के लिए बोला था, लेकिन बोला था ना, चल अच्छा हुआ इसने कबूल लिया। आप देखो फूफा जी, अगर कौन दिक्कत हो तो इनको पकड़ना, हम तो डालेंगे, ये तो कटे नहीं। क्यों कुलदीप, बीप मत करना, ये नहीं करूंगा ना, फूफा को दिखाएंगे हमारे, हमारा चेहरा मत दिखाना। क्या क्या बोलता है यार ये फूफा के बारे में मेरे, अगर जो भी लोग मेरे आसपास वाले देख रहे हो फूफा के, कोई तो नहीं, उनको दिखा दो वीडियो की, नहीं ना दिखाए भाई, ना ही खास काम ना करेंगे। आज के बाद हरिद्वार है ना, लुक्की लगा, वाह यार कितना मस्त है, एक नंबर भाई। सो भाई लोग, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बनने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो को दो पार्ट डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज्यादा लंबी क्लिप हो गई थी और पूरे दिन की रिकॉर्डिंग से बहुत ज्यादा हो गई थी। तो होप करता हूँ यार आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो हमारा हरिद्वार का टूर है पूरा आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। तो प्लीज यार कॉमेंट बताना वीडियो कैसे लगा, पार्ट सबसे अच्छा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। बाय बाय।